हासिल करने के साथ साथ
जीवन सभी को में हिस्सा लेते हैं, जैसा कि शॉपिंग को और उनके जरिए प्रगति को लगा सकते हैं। कल्पित है जिसकी वजह से नॉन हीलिंग अल्सर रहता है। टाइप्स ऑफ अल्सर, थ्री टाइप्स ऑफ अल्सर्स आते हैं, न्यूरोपैथिक, न्यूरोइस्केमिक एंड इस्केमिक अल्सर। प्योर इस्केमिक 1% और न्यूरोइस्केमिक मोस्टली 56% और 43 तक न्यूरोपैथिक होते हैं। अगर न्यूरोपैथिक अल्सर का हम देखें तो फर्स्ट कैलस फॉर्मेशन होती है, सबकुटेनियस हेमरेज, फिर स्किन ब्रेकडाउन और उसके बाद ग्रीन फूट इन्फेक्शन विद ऑस्टियोमेलाइटिस इन द एंड। एग्जामिनेशन के लिए देखें अगर कि चेकअप के लिए आईडीएफ की जो रिकमेंडेशन है तो फर्स्ट विजिट पर ही फुट एग्जामिनेशन लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई न्यूरोपैथी नहीं है तो साल में एक दफ़ा, अगर न्यूरोपैथी है तो हर 6 महीने में, और न्यूरोपैथी या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज या कोई भी फुट डिफर्मिटी मौजूद है तो हर 3 महीने के अंदर एग्जामिन करना चाहिए। और अगर कोई पास्ट हिस्ट्री है अल्सर की तो भी हर 1 महीने से 3 महीने के दरमियान चेकअप लाजमी है। Diabetic foot infections are iceberg, only a small part is visible. बाज़ाय देखने में छोटा सा जख्म लगता है लेकिन असल जो चीज है, जख्म है, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे गटर का ढकना तो बहुत छोटा होता है लेकिन अंदर से गटर बहुत बड़ा होता है। तो जब आप सुपरफिशियली देखते हैं तो देखने में लगता है ये बहुत छोटा सा मामूली सा जख्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे अब स्टडीज ने प्रूफ किया है कि 50% जो लेग एम्पुटेशन होती हैं वो तो मामूली से फुटवेयर से छाला होता है उसी में हो जाती है। तो मामूली नजर आने वाले छाले के बारे में कभी कोई इंसान ये नहीं सोचता कि इसकी वजह से टांग कट सकती है। रिस्क फैक्टर में देखें तो एज, मेल जेंडर, न्यूरोपैथी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ओबेसिटी, रेस, विजुअल इंपेयरमेंट, लिविंग अलोन, पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल। थोड़ा सा मैं स्पीडी चलूंगा, टाइम कम है। एग्जामिनेशन ऑफ फुट, एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ फुट नहीं बल्कि एग्जामिनेशन ऑफ फुट एंड फुटवेयर, क्योंकि अभी जैसे मैंने बात की 50% एम्पुटेशन जो होती है वो तो फुटवेयर की वजह से होती है कि इम्प्रॉपर फुटवेयर आप पहनते हैं कोई पेशेंट, उससे ही उसको कोई ना कोई अल्सरेशन वजूद में आती है। उसके बाद इंस्पेक्शन, पल्पेशन, सेंसरी टेस्टिंग, और वैस्कुलर असेसमेंट करनी होती है आपको। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वैस्कुलर असेसमेंट के लिए, न्यूरोपैथी वगैरह देखने के लिए, न्यूरोथर्मोमीटर वगैरह, इसी तरह मोनोफिलामेंट, वाइब्रेशन, ट्यूनिंग फॉर्क देखते हैं। इसके अलावा अल्सर के अंदर आपने क्या देखना है, तो अल्सर के अंदर लुक फॉर 7S, साइट, साइज, सीवियरिटी, सेप्सिस या इन्फेक्शन कह ले, सोर्स क्या है। स्मेल, बास टिपिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कलर या स्मेल जो होती है उससे आपको पता लग जाता है सूंघ के, जैसे प्रोटीज तो जो
आ जाए डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस पे। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है और मैक्रोवैस्कुलर, एक माइक्रोवैस्कुलर यानी कि छोटे शरीयानियों के मुतासिर होने से जो होती है बीमारी वो माइक्रोवैस्कुलर है, और एक मैक्रोवैस्कुलर यानी कि बड़े शरीयान। माइक्रोवैस्कुलर के अंदर जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आई की बीमारी है जिसके अंदर आई के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, अल्टीमेटली आई की प्रॉब्लम की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, और उसके बाद कार्डियक यानी कि न्यूरो नेफ्रोपैथी, किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी किडनी की वेंस के अंदर प्रॉब्लम होता है, उसके बाद परफ्यूजन बढ़ जाता है, आस्ते आस्ते किडनी फेलियर की तरफ चले जाता है। उसके बाद माइक्रोवैस्कुलर के न्यूरोपैथी, पांव सुन्न होने लग जाएंगे, पांव सुन्न होने लग जाते हैं, पांव की सेंसेशन शुरू हाथ और पैरों से होता है, यूजुअली पैर से होता है, पैर सुन्न होने लग जाते हैं, नसें मुतासिर होने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है, जैसे क्रॉलिंग इंसेक्ट क्रॉलिंग कर रहा है इस तरह, या सुइयां चुभ रही है या गर्म हो रहे हैं। पेशेंट की आमतौर पे कंप्लेन ये होती है कि मेरे रात को पैर इतने गर्म हो रहे होते हैं कि ब्लैंकेट में ऊपर नहीं ले सकता, ब्लैंकेट के बाहर, सख्त सर्दी में भी ब्लैंकेट के बाहर पैर होंगे, तो ये न्यूरोपैथी यानी कि दिमाग की रगें इन्वॉल्व हो रही है। अंदाजे बयां गरचा बहुत शौक नहीं, अंदाजे बयां गरचा बहुत शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो मैं यहाँ असल में दो चार जगह हमने और जाना था, तो मैंने ये कहा था कि हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन आपने जब इशार किया तो मैं दो बातें करता चलूँ कि ये जो शेड फाउंडेशन है और जो इनकी डॉक्यूमेंट्री मैंने अभी देखी और जिस तरह ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इबादत समझ कर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर मैंने इनका जो खलूस और जो नियत और जो लोगों के साथ इनका बर्ताव और जो यहाँ लोग एडमिट हैं या अपना वक्त गुजार रहे हैं, उन्होंने जिस तरह और जिस मोहब्बत से यहाँ इंतज़ामिया की तारीफें की हैं, तो मैं समझता हूँ मैं भी इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। अभी मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, जो ये अभी सारा उन्होंने इक्विपमेंट दिखाया मुझे और जिस तरह से ये हार्ट डिजीज़ के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर जो इनका फ्यूचर प्लान है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से डॉक्टर साहब शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाबी दे। मैं ये समझता हूँ कि हमने सब मिलजुल कर इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए अपने कामों को इबादत समझ कर करना है, क्योंकि वक्त बहुत गुजर गया। जब 70 साल पहले हिजरत कर कर आए थे तो बड़े बूढ़े वालदैन कहते थे कि पता नहीं पाकिस्तान कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, लेकिन आज हम सब इस बात को माने कि 70 साल बाद भी हम बहुत सारी चीज़ों में वहीं खड़े हैं और कम से कम एक सवाल आज भी है कि कैसे चलेगा। बड़े बड़े जो माशी दानिश्वर कह लें आप, जो मईशत पर बड़ा कंट्रोल रखते हैं, वो भी आके चैनल पे पूछते हैं कि कैसे चलेगा, और सारे लोग देख सिर्फ आवाम की तरफ ही रहे हैं और आवाम हुक्मरानों की तरफ देख रही है, और मईशत का जो हाल है वो आप सबसे छुपा नहीं है। उन हालात में जब गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो वैसे तो सच बात यह है कि मेरा दिल बड़ा दुखता है ऐसी जगहों पर विजिट करके कि ये सब नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं हो, ग्राउंड्स हो, हेल्दी एक्टिविटीज हो, लोग एडमिट ही ना हो, अल्लाह ताला ऐसा हमारी दुआ सुन ले, और ऐसे शेड होम्स भी ना हो जहां माँ बाप को औलादें छोड़ के चली जाए, इससे ज़्यादा तकलीफ का अमल हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब ऐसे माशी हालात हों कि लोग अपने बड़ों को छोड़ जाएं और अस्पतालों में इसलिए यहाँ आएँ कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते,
उस वक्त में और उस जैसे वक्त में आपका इदारा जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहा है वो खराज तहसीन पेश करने के काबिल। तो मैं यहाँ शेड की इंतजामिया को उनके लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया और आप सब जो हाजरीन यहाँ आए बैठे, हम सब मिलजुल कर इंशाल्लाह काम करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आप सबको बहसियत गवर्नर से जो अल्लाह ताला ने मुझे ये मर्तबा और मनसब दिया है, जब तक भी दिया है कि इंशाल्लाह मेरे गवर्नर हाउस के दरवाजे आप सबके लिए खुले होंगे। कोई भी ऐसे मसाइल जिसके हल के लिए आपको गवर्नर हाउस की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह गवर्नर हाउस आपके शाना बशाना खड़ा होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और मैं समझता हूं कि अगर हमने ये आजम कर लिया कि हमने मिलजुल कर काम करना है तो वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए शायद एक शेर कहा है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज के साथ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें मैंने कर दी हैं, मफहूम सब बातों का एक ही है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए अपने शहर के लिए कुछ करें, क्योंकि यकीन जानिए ये वो वक्त है कि इस वक्त शायद बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को हम सब। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।